दोनों गायक कलाकारों ने हेलो समा बांध रखा है और आप सबको मंत्रमुग्ध कर रखा है। चामुंडा माता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया जीत का। और खेलने में आया तो बहुत बार हूं, लेकिन हम 10:45 बज गए। 10:45 बजे भी हजारों नर नारी यहाँ पर मौजूद है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। इतनी देर बाद गायक कलाकारों को आप सुन रहे हैं, इनका भाव भी समझ रहे होंगे। इनके गीतों ने मेरे प्रचार में वो समा बांध दिया कि मेरे को भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों सांस सुनने पड़ता हूँ, पत्रा में देंगे वोट की लोड। सोच रहा था दो सासू कैसे होते हैं, और कोई पहले पटेल गुजरों में मिलू हुआ करते थे, जो दो 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 तीन तीन रखा करते थे पटेल। तो ये प्रचार हमारे लिए ग्रेटर जयपुर की मां को डॉक्टर सोमया जी गुजर की बता चुकी है। सोम्या जी एक बार आसपास थोड़ा खाली कर दो। डॉक्टर सोम्या जी का नगर पालिका खेड़ी में हार्दिक स्वागत। मैं पर्चा करा देता हूँ, ये सोम्या है और इनकी ससुराल और मेरा भी हर अगल बगल में है। और कितने गर्व की बात है कि राजस्थान की राजनीति की राजधानी की ये मेयर है, राजस्थान की राजधानी की मेयर होना बड़ा गर्व की गंगा जी का हृदय की इस पावर धरती करना चाहता हूँ। देखो साक्षात नारी शक्ति, साक्षात चामुंडा अब मेरे प्रचार के लिए आ गई, तो मेरी जीत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है सोम्या जी के आभार प्रदर्शन के लिए कि गांव घर घर ढाणी ढाणी जाने के बाद खिरनी में पधारी है मेरा प्रचार करने के लिए। मैं इनका ये एहसान कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, ये पूरे लोगों में बिल्कुल। तो ये गायक कलाकार गीत गा गा के मेरा प्रचार कर रहे हैं। हमारे ये कालू देवता और काना राम जी थोड़ी बड़े अच्छे कलाकार हैं गायक, इनको भी मैं खिरनी की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अभी एक गीत गा रहे थे, हमारा यह जवान बहुत खड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। गहलोत सरकार ने दोनों को ठगा, दोनों को छला, दोनों के साथ धोखा किया,
और धोखा क्या किया। ये बच्चे जितने भी परीक्षा देने वाले नारे लगाते हैं, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बारे में, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा और नाथी का बाड़ा वाला गोविंद डोटासरा चुनाव हार रहा है, मैं प्रचार करके आया हूँ। क्यों हार रहा है? ये किसान बैठे हैं यहाँ पर, रात में कड़ा के की ठंड में कूड़ मोड़कर परिश्रम करके मेहनत करके अपने बेटों का अफसर या नौकर बनाने का सपना देखते हैं। इन बच्चों के सपना को चकनाचूर करने का काम गहलोत सरकार ने किया, गोविंद डोटासरा ने किया। 16 परीक्षा हुई, 16 की 16 परीक्षा के पेपर लीक हुए और 67 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ गहलोत सरकार ने किया। और किसान सत्ता में आने से पहले किसानों को वादा किया था कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों ने आत्महत्या कर दी। जब पेपर लीक हुए तो मैंने प्रमाण दिए थे और उस प्रमाण के आधार पर राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी चारोली को बर्खास्त किया था। यानी जहां से पेपर छपता है उसने ही पेपर आउट कर दिया, बाढ़ खेत को खाने लग गई। तो मैंने गहलोत साहब से मांग की थी कि सीबीआई की जांच कराओ। गहलोत साहब ने सीबीआई की जांच इसलिए नहीं कराई कि उसमें 1 दर्जन एमएलए और 6 मंत्री फंस रहे थे। अगर 1.5 साल पहले सीबीआई की जांच के आदेश देते तो 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और आधा दर्जन एमएलए मंत्री जेल में होते। उनको बचाने के लिए सीबीआई की जांच नहीं की। फिर हम ईडी में गए, ईडी अब आ गई और ईडी जब जब आती है, तब एक पुरानी फिल्म थी मैंने देखी तो नहीं, चोर बचाए शोर। गहलोत साहब शोर बचाते हैं, ईडी आ गई, ईडी आई गई, डॉक्टर केवलदार ईडी को ले आया। मैं कोई ईडी का मिनिस्टर तो हूं, ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है, प्रधानमंत्री जी भी उसमें दखल नहीं डालते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी चित्तौड़गढ़ में बोल के गए कि जिन जिन ने राजस्थान को बेरहमी से लूटा है और जिन जिन ने परीक्षा का पेपर लीक किया है उनको पाताल में से भी निकाल के जेल के से कल मैं मेरे को किसी बहुत अच्छे जानकार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की 137 सीट आ रही है और 25 नवंबर तक ये सीट हो जाएंगे 150। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। और जिन जिन ने राजस्थान को लूटा है उनको जेल के सीटों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने गांव में पाइपलाइन डली होगी, जल जीवन मिशन का 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ मोदी जी ने इसलिए भेजा था कि हर घर में नल का पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन उसमें राजस्थान की सरकार 20,000 करोड़ का घोटाला कर गई। मैंने घोटाला उजागर किया, घोटाला उजागर किया तो निशाना पानी के मंत्री महेश जोशी पर जाके लगा, इसलिए महेश जोशी को कांग्रेस ने नहीं दिया। अगर चलते चुनाव में महेश जोशी को ईडी ने पकड़ लिया तो सारी कांग्रेस बदनाम हो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद
एक दर्जन एमएलए और आधा दर्जन मंत्री जेल में मिलेंगे, आपको मैं कहना चाहता हूं। मैं बड़ी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, मैंने कई बार कह दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मान हानि का दावा करो। पेपर लीक में गोविंद डोटासरा है, सुभाष गर्ग है, सुखराम बिश्नोई है, एक दर्जन एमएलए है, पानी के घोटाले में महेश जोशी है, बड़े बड़े आईएएस अफसर है, बड़े बड़े आईएएस अफसर, एक आईएएस अफसर की साड़ी यहां भी लड़ रही है। मेरे से पूछते हैं साहब इतने पैसे, यानी कि भाई साड़ी साड़ी तो साड़ी ही थी, साड़ी जैसा कोई रिश्ता, और जीजा साड़ी को लड़ाए तो पैसे तो आएंगे क्योंकि जीजा के पास पैसा बहुत है। लेकिन राजस्थान की समूची जनता को लूटने का काम बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने किया, बड़े बड़े नेताओं ने किया, मंत्रियों ने किया, और गहलोत भी अछूता नहीं रहा आपकी बार, उसने भी राजस्थान को लूट लिया। अब आप सुन लो, ऐसा कोई नेता या अधिकारी नहीं है जिसके खिलाफ मैंने मोर्चा नहीं खोला हो। छह तो इंजीनियर जेल में पड़े, 67 दूसरे अफसर जेल में, और हर एक ने तय कर रखा है कि कैसे कैसे डॉक्टर क्योरीलाल को चुनाव हराओ, ये विधानसभा में आ गया तो हमको पीसेगा। लेकिन भला हो सवाई माधोपुर की जनता का, मैं 80 से चुनाव लड़ रहा हूं। सोम्या जी 89 में मैंने यहां पर चुनाव लड़ा था, पहली बार मेरे को खिलनी में से अपार भीड़ मिली है जो कभी भी मेरे को मिली नहीं। इससे स्पष्ट है कि मेरी जीत होगी, और अपनी जीत में देखो सारा किसान, हर किसान चाहता है, और इनके अलावा सवाई माधोपुर पूरे शहर के व्यापारियों ने तय किया है कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन सारी दुकानों को बंद करके 100% वोट कमल के फूल को डालेंगे। और मेरे राजनीतिक जीवन में यह भी पहली बार हुआ है कि 100 सवा 100 व्यापारी एक दर्जन से ज्यादा बड़े गांव में मेरे को प्रचार के लिए लाए थे, फिरनी में भी व्यापारी आए थे और घर घर दस्तक लेते थे मेरे लिए गए, ऐसा मैंने राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा। व्यापारी दुकान नहीं छोड़ता, घर नहीं छोड़ता, खुद का व्यापार नहीं छोड़ता, लेकिन व्यापारी ने मेरे को प्रचार करके मेरे पे इतना बड़ा एहसास किया, किसान ने, व्यापारी ने, जवान ने, बहन बेटी ने, कि मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। ये इनके गीतों में, पता नहीं किसके गीतों में, महिला मैं जब गांव में जाता हूँ लोग जब गाती है, मैडम दो बोतल की घेर करोड़ 11-12 दे आई है, मैडम अब खिलनी की गाना गान जानती कि नहीं जानती, मेरे को पता नहीं, जानती हो मैडम दो वोटों की खैर करोड़ी को 11-12 दे आई। जब ऐसा वोट पड़ेगा तो ऐसा लगता है कि 50-60 हजार से ज्यादा की जीत पहली बार सवाई माधोपुर में किसी एमएलए की। और हालात क्या है, स्कूल है तो मास्टर, अस्पताल है तो डॉक्टर, और एएन है तो बिजली के तार में करंट, बिजली नहीं आती, और बिजली आती है किसान के लिए तो रात के 1:30 बजे कड़ाके की ठंड में मेरा किसान पूर्ण बोलता है, मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी तो मेरे पूर्वी राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का प्रावधान करें। मैं अभी किसी गांव में गया था, मेरा वो गांव ध्यान नहीं आ रहा, मानो नहीं, रात को कूड़ मोड़ते हुए
एक जवान को सांप काट गया उसकी वही मौत है। किसान कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, किसान को जो भी सुविधा देने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं किसान को मेरी सरकार आने पर, हमारी सरकार आने पर सब प्रकार की सुविधा देने की कोशिश करूंगा, इस बात का आश्वासन किसान भाइयों को देना चाहता हूं। ये 5 साल तक मैं सड़क पर रहा हूं, चाहे कहीं अत्याचार हो जाए, क्या कहीं पुलिस दमन कर दे, चाहे कोई किसी को मार दे, बलात्कार कर दे, अपहरण कर ले, भ्रष्टाचार कर दे, पानी नहीं मिले, बिजली नहीं मिले, मैं हर मुद्दे पर जनता के साथ रहूं राजस्थान का। और अब की जैसी कानून की बिगड़ की स्थिति मैंने कभी भी नहीं देखी। आपने भीलवाड़ा की वो घटना देखी होगी, 13 साल की एक बच्ची गुर्जर समाज की, 13 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को भट्टी में फेंक दिया। ऐसा कभी अत्याचार हुआ है? हुआ है, गहलोत के राज में हुआ है। मेरे करौली में गांव में बैरवा की बेटी को रात के 1:30 बजे उठाया, जंगल में ले गए, बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद गोली मार दी, गोली शरीर मरी तो पूरे शरीर में तेजाब फेंक दिया, तेजाब से भी नहीं मरी तो कुएं में डॉक्टर डाल दिया। दाग लगाने वाले थे, मेरे पास फोन आया, सब अन्याय हो गया, आप आओ। मैं गया, 5 दिन तक उसकी डेड बॉडी को लेकर बैठा रहा, और जब तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, बलात्कारी नहीं पकड़े गए, तब तक मैं वहां से हटा। 15 लाख रुपए दिया, नौकरी भी दिलाई। और ये कांड करने वाले मीणा थे। कई बार मेरे से कहते हैं, नहीं ये तो बात मीणों के सिवाय किसी की नहीं करता। देखो, राजनीति किसी एक जाति की बात नहीं करता। आप MLA सरकार में आ जाओ, मंत्री बन जाओ, तो सब जाति के भाई आपके लिए बराबर है। लेकिन मैंने सवाई माधोपुर में देखा है, 20 साल पहले जो मैं काम करके गया, उसके बाद उन गांव में कोई काम ही नहीं हुआ, और घर में माधोशिवपुरा गांव में था, मालियों का गांव है, MLA साहब के फार्म हाउस के पीछे, फार्म हाउस यहाँ है, MLA साहब ने उस कोने पर जमीन खरीद ली और उस पूरी जमीन को पैक कर दिया। वहां से यहां तक पड़ने वाला खेत था, कोई भी किसान खेत में जा नहीं सकता था, मजबूरी में उन वालियों ने कौड़ी के भाव में अपनी जमीन बेची है, ऐसे अत्याचार के लिए कर जो धन अर्जित किया, जमीन पे कब्जा किया है, उस सारी जमीन को खाली कराने का काम मैं करूंगा। 1200 बीघा का जमीन कोटा में खरीद, 250 बीघा जमीन 5 लाख में खरीद, कहां से आई है? आप उधर भी सुन दो, उधर भी सुन दो, बजरी में लूट रहे हैं, सारे वाले मिले हुए हैं। ये बजरी वाले बच्चे ट्रैक्टर चलाते हैं, मैंने परसों डांटा था उसको, ठेकेदार को, मैं बीच में आया था, मैं ट्रैक्टर वालों को आंदोलन करता रहता हूँ, बजरी ठीक से मिले, अत्याचार नहीं हो, वो जो बड़ा ठेकेदार है वो धमका था, हमारी नदी, हमारा गांव, हमारे बच्चों को पीटे, हमारे बेटों के ट्रैक्टर बंद करा दे, और ट्रैक्टर छूटता है 1,28,000 तो ज्यादा, 4 लाख रुपए लगने लगे महीने भर में कमाए, उस कमाई को एक ही बार में सरकार उससे ले लेती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बजरी की ठेकेदार की ठेकेदारी की मनमानी को खत्म करूंगा, इस बात का वादा आपसे करना चाहता हूं। गांव में गया तो काम हो रहा हूं, डिडाइज के पास इधर गुजरों का गांव है, नहीं अच्छे, तो वहां क्या हुआ कि मैं गया,
अभी गुजर मीणा जब मिल जाए, मेरा जैसा आदमी मिल जाए, फिर छोड़ते ही जाए। गया तो एलएनटी फैलेंटी तोड़ ताड़ में बराबर कर, मेरे पास ठेकेदार वो एलएनटी को लेकर भाग गए। लेकिन मैं कब कब कराई लू पूरा तंत्र, नीचे सिपाही थानेदार डिप्टी ऊपर के अधिकारी सब रंग में रंगे हुए। अभी मैंने परसों डाटा था ठेकेदार को बीच में आया था जो मैं 2800 की रेट करा के गया था, वो 3500 कर दी। फिर मेरे को पता लगा कि आज 2800 कर दी गई, परसों करिए आज करिए। पर मेरे भाई वो डॉक्टर वाले हो, मैंने सपोर्ट राम और कब कराई थी, जिस दिन वोट पड़ रहे थे वो ट्रैक्टर से बजरी ले जा रहे थे, मेरे पोले खाली रह गए। तुम ट्रैक्टर चला तो रहोगे तो मेरा कमल का बटन कौन दबाएगा? तो जैसे व्यापारियों ने छुट्टी रखी है वैसे ट्रैक्टर डंपर वाले भी बजरी ले जाने की छुट्टी रखोगे ना ये भाई, रखोगे ना? हैं? ऐसा मत करना मेरे वोट को कहीं कम पड़ जाए, नहीं तो मैं पुलिस को कह के तुमको सबको बंद करवा दूंगा। हमारे जब 66,000 करोड़ का घोटाला खान हुआ है राजस्थान में, 5 साल में मैं सही आंकड़ा दे रहा हूं, 20,000 करोड़ का पानी में हुआ है, 5,000 करोड़ का आईटी सेक्टर में हुआ है जिसमें मोबाइल बांटते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो मैंने इतने दिमाग लगाया कि पैसा गया कहां, ईडी भी ढूंढ रही है पता नहीं पैसे कहां कर दिए। तो इधर घूमता घूमता मैं जयपुर के गणपति प्लाजा में घुस गया। अब मैं जहां जाता हूँ वहां पुलिस मेरे पीछे जाती है, वाइस पी साहब पहुंच गया, आप कैसे आए? मैंने कि ये गणपति प्लाजा में जो लोग हैं ना, इसमें गहलोत सरकार के अफसरों कांग्रेस के एमएलए और मंत्रियों का काला धन और सोना यहां पर है, इन लॉकरों को तोड़ो। पुलिस ने कहा कि आप तोड़ नहीं सकते, अब यहां तो घुस के तोड़ दे, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को लॉकर दे, पुलिस कैसे हाथ लगा? तो मैंने कहा एसीबी बुलाओ, बिना गहलोत की परमिशन से एसीबी नहीं आ सकते। तो मैं वहां बैठ गया तो मजबूरन पुलिस को ईडी और इनकम टैक्स को सूचित करना पड़ा, ईडी और इनकम टैक्स वहां पर आए और अब तक आज की तारीख तक 42 करोड़ काला धन रुपए और 22 किलो सोना इनकम टैक्स विभाग जब्त कर चुका है। और हालात क्या है, श्यामलाल की जगह रामलाल का नौकर है, अब रामलाल का पता कहीं लगता ही नहीं, फिरनी का है, श्यामोली का है, बिलोली का है, बिच्छू सोना का है, कोई पता ही नहीं। करोड़ों रुपए ढेर सारा सोना इस गरीब जनता की कमाई का चोर अधिकारियों ने मंत्रियों ने एमएलए ने सब डाल रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी लुटेरे भ्रष्टाचारी अधिकारी एमएलए मंत्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो सारा मुंह का खाया हुआ नाक से निकालने का काम हमारी सरकार करे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? बजरी की रेट कौन सही लगवाएगा? बहन बेटी की इज्जत कौन बचाएगा? और बिजली दिन में कौन दिलाएगा? और ये जो अपना गुंडागर्दी है उसको कौन खत्म करेगा? भेदभाव को कौन खत्म करेगा? और जो गुंडे कब्जा कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को कौन छुड़वाएगा? तो बाबा कराएगा तो बाबा को जिताना होगा, आशीर्वाद जिताना होगा, नहीं जिताना है, जिताओगे? मेरी बात सुनो, मेरे को पता लगा, मैंने सही ढंग से नहीं देखा, यहाँ 17,000 वोट है,
फिरनी में, अकेली फिरनी में 13,000 में से अगर 10,000 करोड़ आपने मिलकर डाल दिए तो मैं 1,00,000 से जीतूंगा। और आप डाल सकते हो और बदला लेना है। काय का बदला लेना है भैया? पिछली बार सारे प्रधानमंत्री मोदी जी दौसा में आए थे, मैंने मीटिंग की थी, जबरदस्त भीड़ थी। भीड़ देख के उन्होंने कहा ये तो सारी सीट है, मैंने भी देख ले। लेकिन मीणा गुर्जर वाली माइनोरिटी सबसेट हो गए, 28 की 28 सीट हम हार गए, हो गए दिन में। और गुर्जरों ने मीणों ने मिलकर वोट क्यों दिया, मालियों ने क्यों दिया? ये तय हुआ था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सही बात, गहलोत साहब बचे कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन गहलोत साहब ने क्या कहा कि नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, आज 6 आम सभा करके आया हूँ, 2 गुर्जरों में किए। गुर्जर इसका बदला लेगा कि हमारे नेता को निकम्मा और गद्दार क्यों कहा। मैं कोई गहलोत साहब का विरोधी नहीं हूं, पर भाषा की मर्यादा नेताओं में रहनी चाहिए। हमारी पार्टी में भी नेता आपस में घर में बटोर बटोर करते हैं, लेकिन उनकी तरह गाली नहीं देते। और सुनो भाई, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, मेरा देश का जवान कड़ाके की ठंड नहीं बर्फ के टीलों पर खड़ा हो गए, दुश्मन देश उसे हमारी रक्षा करता है। और पुलवामा में जब घटना हुई थी तो मेरे राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए, 5 जवान, एक गुर्जर, एक मीणा, एक जाट, एक राजपूत, एक ब्राह्मण। जब पुलवामा हमले में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो गहलोत सरकार के बड़े बड़े मंत्री गए और ये आश्वासन लेके आए थे कि हम घर में एक को नौकरी देंगे, मूर्ति लगाएंगे, कॉलेज स्कूल का नामकरण करेंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन वो वीरांगना जो विधवा हो गई थी, 4 साल तक मंत्रियों का चक्कर निकालती रही, लेकिन मंत्रियों ने उनको कुछ भी नहीं दिया। अंत में चारों मेरे 5 मेरे पास आए जब विधानसभा चल रही थी, मेरे पास आके कहने लगी कि हमें नौकरी दिलाओ, हमारे पतियों के नाम से चौराहा कराओ, कॉलेज कराओ, स्कूल कराओ, सरकार ने आश्वासन दिया है। मैं वैसे ही चलती है, चलो विधानसभा चलते हैं। वीरांगनाओं को गहलोत साहब से मिलाते, मैं पहुंचा, मैंने सोचा मैं एमपी हूँ और इनके पति ने देश के लिए सबसे बड़ी साधन थी अपने प्राण न्यौछावर करके, इनसे मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी मिलना तो दूर की बात, विधानसभा का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। आपको भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का दरवाजा विधानसभा में पहुंचने का पूरी तरह से बंद कर डालो। यही नहीं हुआ, मैं उनकी मांग को लेकर जयपुर में बैठा रहा 10 दिन तक और एक ही मांग करता रहा, मुख्यमंत्री जिनके पतियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया उनसे मिलकर एक बार उनकी प्रार्थना तो सुनो, उनकी बात तो सुनो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं सुनी और रात के अंधेरे में 3 बजे उन 5 वीरांगना को गिरफ्तार कर लिया, चोटी पकड़ कर खींचा, किसी की साड़ी गिर गई, मेरे को पता लगा तो मेरे को ढूंढने गया तो मेरे को भी पुलिस ने घेरा। एसपी की अगुवाई में ढेर सारी पुलिस, मेरे भी कपड़े फाड़ दिए, मेरी भी गर्दन तोड़ दी, मेरे भी चोट आ गई। हम तो राजनेता, हम कोई दिख नहीं होता, पुलिस लाठी चलाए, गोली चलाए, जेल में डाले, कपड़े फाड़े, कुछ भी करे, लेकिन उन महिलाओं, उन विधवाओं का जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए उनका अपमान गहलोत सरकार ने किया है, इसलिए उस अपमान का बदला लेना, ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया। दो अपमान, वीरांगनाओं का अपमान
और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का अपमान और डॉक्टर किरोड़ी लाल के अपमान का बदला लोगे, 25 तारीख को लोगे, हाथ खड़ा करो 25 तारीख को बदला लेंगे। बोल चामुंडा भैया की है। अब मैं सोम्या जी से कहूंगा, ये